हेलो एवरीवन, अगर आपको एडवांस अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए, एबीसी एनालिसिस। जी हाँ, सबसे पहले पूरा सिलेबस देखिए, ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर आते हैं, बी कैटेगरी में कौन से आते हैं, देन सी कैटेगरी में कौन से आते हैं, क्योंकि ये चीज़ ना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, आपको टेंशन कब होती है, आपको डर लगता है कि यार आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या, जो आपने स्टडी किया वो एग्जाम में नहीं आया तो क्या, तो इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मैं देने वाली हूँ, ए बी सी एनालिसिस ऑफ एडवांस अकाउंट्स। इसमें हम करेंगे क्या, जितने भी ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं उनको पहले करेंगे, फिर बी एंड देन सी। इससे होगा क्या, पहले जब आप स्टडी स्टार्ट करते हो ना, तो आपका फोकस ज़्यादा होता है, आपका जो स्टडी में इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस वक्त हम ए कैटेगरी के चैप्टर्स करेंगे, वो कंप्लीट होने के बाद बी और फिर लास्ट में सी। क्योंकि होता क्या है, हम जितने भी डे किसी सब्जेक्ट को एलोकेट करते हैं, लाइक 9 डेज हो गए, 10 डेज हो गया, 8 डेज हो गया, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप कुछ डेज एक सब्जेक्ट को एलोकेट करोगे, तो जब आप स्टडी कर रहे होते हो, लास्ट के डेज बचते हैं ना, तो आप फटाफट कोर्स को कंप्लीट करने में रहते हो। उस टाइम पे आपके सी कैटेगरी के चैप्टर रहेंगे, उस पर अगर आपने फोकस ज़्यादा नहीं भी दिया देन इट्स ओके, जहाँ आपको फोकस देना था आप पहले दे चुके हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार नहीं, मैंने एग्जाम में एग्जामिनेशन स्कोर करना जितना तो स्टडी कर ही लिया है। एंड लास्टिंग, एग्जाम के एक दिन पहले जब आप रिवीजन करते हो ना, तब भी आपको इसी तरीके से रिवीजन करना है, पहले एक कैटेगरी के चैप्टर्स कंप्लीट करो, फिर बी एंड देन सी, क्योंकि हो सकता है लास्ट के जो 1.5 डेज है, एडवांस अकाउंट्स में तो आपको ज़्यादा दिन मिलते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट में 1.5 डेज में आप सारी चीज़ें कंप्लीट ना कर पाओ, तो सी कैटेगरी के अगर कुछ चीज़ें छूट भी गई ना, देन इट्स ओके, ए और बी आपका अच्छे से हो जाएगा, तो आप एग्जाम में अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। तो देखो, आपके आईसीएआई स्टडी मटेरियल में हर एक चैप्टर्स में कुछ यूनिट्स है, तो आपको एक कैटेगरी में चैप्टर 4 में यूनिट नंबर 1 AS1 करना है, यूनिट नंबर 3 AS17 एंड यूनिट नंबर 5 AS20 EPS करना है। ये आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, हमने चैप्टर 5 में यूनिट 2, 3, 4, 5, 7 को डाला है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और अच्छे से नोट कर लीजिए, पहले इन्हें कंप्लीट करना है। देन हमने चैप्टर 6 को डाला है, यहाँ पर हमने AS15 डाला है, 11 डाला है, 22 डाला है। नेक्स्ट चैप्टर 8 में AS7 and 9 इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 9 में आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से करनी है, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका AS14 अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी, चैप्टर 13 आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ये सब मिला के अराउंड आपके 35 मार्क्स कवर करते हैं। नेक्स्ट आगे आपको चैप्टर 10 में AS21, 23 and 27 जो आपका कंसोलिडेशन वाला पार्ट है ना, वो अच्छे से करना है, इस पर 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप स्टेटमेंट अच्छे से देख लेना, क्या चीजें ऐड होती है, लेस होती है, इसकी एक समरी आप बना सकते हो, तो ये 10 मार्क्स कवर करता है, तो यहाँ पर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 14, अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनीज, ये अराउंड 14 मार्क्स कवर करता है, तो आपको ये भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 12, बायबैक ऑफ अ सिक्योरिटी, 10 मार्क्स कवर करता है, यानी ए कैटेगरी में जितने भी चैप्टर्स है ना, वो अराउंड 83 मार्क्स कवर करते हैं, तो अगर आप ए कैटेगरी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप इजीली एग्जामिनेशन पे स्कोर कर सकते हो, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए हैं। तो बी कैटेगरी में हमने क्या क्या कवर किया है, तो बी कैटेगरी में हमने चैप्टर 2 कवर किया है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AS18 कवर किया है, AS25 कवर किया है, चैप्टर 5 में AS2 और 26 हमने कवर किया है। ये सब मिला के अराउंड 15 मार्क्स आपको एग्जाम में दिला सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में हमने इंट्रोडक्शन टू AS, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS, AS24, AS29, AS4, 5 ये सारे कवर किए हैं, ये सारे AS अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपको लास्ट में करना है, पहले ए और बी कैटेगरी अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 15, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, ये अराउंड 10 मार्क्स आपके कवर करता है, तो लास्ट में आप ये सारी चीज़ें ए और बी कैटेगरी की कर लो, उसके बाद सी कैटेगरी कंप्लीट करनी है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं हमारे ऐसे किसी दूसरे यूजफुल वीडियो के साथ।